देखिए ये एक बजाज मेजेस्टिक ICX7 का इंडक्शन है, और मैं बहुत ही सीधे और सरल भाषा में आप लोगों को बताऊंगा इंडक्शन कैसे बनाया जाता है। देखिए मैं इसमें लाइट दिया हूँ, देखिए जल गया, देखिए ऑन किया ये भी जल गया, और इसको मैं हीट होने के लिए रख दिया। देखिए दोस्तों पानी धीरे धीरे हीट हो रहा है, इसमें स्लो हीटिंग का प्रॉब्लम है, जिसको धीमा हीटिंग चढ़ा दीजिए, घंटा दो घंटा में चावल बनेगा, घंटा दो घंटा में दाल बनेगा, एक घंटा में सब्जी बनेगा, स्लो हीटिंग हो गया है, इसी को ठीक करना है दोस्तों। देखिए मैं बहुत ही सीधे सरल भाषा में आप लोगों को बता रहा हूँ, और कोई भी इसको बना सकते हैं। जब तक मैं इसको खोलता हूँ और आप लोगों के पास आता हूँ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं बहुत ही सीधे और सरल भाषा में आप लोगों को इंडक्शन बनाना सिखाऊंगा। देखिए दोस्तों मैं इसको खोला और इसको खोलता हूँ, देखिए कितना गंदगी है दोस्तों, और इसको छटका देता हूँ, निकाल के हटा देता हूँ, क्योंकि इसका मुझे कोई काम नहीं है, पूरा गंदगी इसको सबको साफ करना है, और गंदगी के कारण ही इंडक्शन ख़राब होता है दोस्तों, ये भी आप ध्यान दीजिए, इसको बराबर साफ करते रहिए। देखिए कितना धूल है पंखा में, देखिए इसको पूरी तरीके से आपको साफ करना होगा दोस्तों। देखिए गंदगी से भरा होगा, ठीक है दोस्तों मैं साफ कर लेता हूँ फिर आता हूँ। देखिए दोस्तों मुझे टेढ़ा मेढ़ा बोलने के लिए नहीं आता है, मैं सीधा सीधी आपको बता देता हूँ, इसमें सिर्फ दो ही सामान में खराबी आता है, एक ये प्रीसेट हुआ और एक इससे जाने वाला प्रिंट का हुआ। देखिए प्रीसेट ये तो अर्थ हो गया, और देखिए यहाँ से अर्थ का सप्लाई आया है, देखिए ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ से देखिए यहाँ आया है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ठीक है दोस्तों देखिए मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस यहाँ सप्लाई होते हुए ऐसे होते हुए यहाँ पे आया है। अगर इस रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा, ये 1K का रेजिस्टेंस रहता है, इसका मान 10 गुना बढ़ जाता है, तो यो अर्थ को ये कम सप्लाई देगा, कम जब सप्लाई देने लगेगा तो ये सिस्टम ऐसी कमांड देगा कि धीरे धीरे गर्म करो, एकदम हल्का सा कमांड देगा, हल्का सा कमांड देगा तो फिर ये IGBT का जो है फंक्शन वो स्लो कर देगा, वोल्टेज बनाना कम कर देगा, जिसके चलते कम हीट होगा आपका ये क्वाइल, कम हीट होगा। तो इसमें सबसे पहले इसको इस रेजिस्टेंस को खोलते हैं हम, और उसके बाद चेक करते हैं। मेरा सोल्डर हीट हो गया है, और अब हम इस रेजिस्टेंस को डिसोल्ड करते हैं। थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं,
देखिए दोस्तों, यही है रेजिस्टेंस, यह रेजिस्टेंस 1K का है। और इसका कलर कोड मैं बताता हूँ, देख के बताऊंगा। इसका कलर कोड है कत्थई कत्थई काला है, 1K है। इसको कोई नापना उपना नहीं है, अगर आप नापते हैं तो ये आपको सही भी बता सकता है, इसीलिए इसको बदल के ही देखना है आपको। ये बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि इसको बदल ही देना है, अगर ठीक ही है तो भी बदल देंगे, उसके बाद ही हम प्रीसेट को चेंज करेंगे दूसरे टर्म में। मैं मीटर भी नहीं यूज कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक, ऐसे मैं नाप के इसको बता देता हूँ, मैं मीटर लेके आता हूँ। देखिए मैं मीटर लेके आया, देखिए दिख रहा है दोस्तों, वन के का ही पक्का बता रहा है, लेकिन जब सप्लाई देने का बारी आएगा ना, ये फेल हो जाएगा, अर्थ पूरी तरीका से यह पास करेगा ही नहीं, आपका इंडक्शन स्लो हीट होगा। रेजिस्टेंस आपका सही है, आप बोकते रहिए बनाने के लिए, बहुत सारे बताते रहेंगे आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और बेल घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा, मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा। मैं रेजिस्टेंस लेके आता हूँ फिर लगाता हूँ। देखिए दोस्तों, यही 1K का रेजिस्टेंस, इसी को हम लगाते हैं। पेस्ट ले लेते हैं और इसको यहाँ सोल्ड मार दिए, और जो बचा हुआ है उसको कट कर देते हैं। देख, कट कर दिए, अब इसको हम चेक करते हैं लगा के सेट करके। देखिए दोस्तों, सब कुछ सेट कर लिया, पैनल वाला भी ये स्विच लगा दिया, और देखिए इसको अब मैं बैठा दिया, अभी कसा नहीं हूँ, अब मैं इसमें पानी रख दिया, अब मैं इसमें करंट देता हूँ, ठीक, आप लोगों ने देख लिया, मैंने दे दिया, अब ऑन करता हूँ, फुल कर दिया मैं, देखिए 270 पे पहुँचा दिया। कुछ देर रोकता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। नहीं दोस्तों, लगता है नहीं ठीक हुआ है, देखिए अभी भी पानी बहुत स्लो गर्म कर रहा है। अब मैं उस प्रीसेट को बदल दूँगा, अब मैं फिर इसको खोलता हूँ। देखिए दोस्तों, यही है प्रीसेट है, और इसको हम चेक करते हैं।
देखिए दोस्तों, यह प्रीसेट ओपन हो गया है, कुछ नहीं शो करता है। देखिए मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ओम करे नया प्रीसेट। ठीक, आधा में 330 और इधर भी बताएगा, देखिए 330 वन, ये 50-50 किया हुआ है, ये 501 का है, 501 का। तो हम क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला शॉर्ट कर देंगे और तब ऐसे खड़ा करके लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, मैं लगाता हूँ, समझ गए दोस्तों, ऐसे ही करना है। सबसे पहले इसको खोलना है, प्रीसेट 501 वाला को खोल के निकाल देना है। इसको निकालिए, पेस्ट लगा दिया हूँ, देखिए आराम से निकालिए दोस्तों, काम आराम से कीजिए। देखिए निकल गया, देखिए निकल गया, और इसको एक तार लेके देखिए ऐसे लगेगा, तो ये दोनों शॉर्ट है, इसको लगा दीजिए। लगा दीजिए, सबसे पहले इसको और इसको शॉर्ट कर देते हैं। पेस्ट लगाइए, रंगा लीजिए, कहानी इसको साफ करने के लिए इससे साफ करना पड़ता है दोस्तों। सोल्ड हो गया और ऐसे लगाना है, ये दोनों सोल्ड करना है। एकदम नीचे में दे दीजिए, जो कि आपको लगाने में प्रॉब्लम ना करे। यहाँ सोल्ड मार दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब ये खुलेगा भी नहीं, इसको कट कर दीजिए, इसको हटाइए, देखिए हो गया। और अब इसको यहाँ पे लगा दीजिए और फिर यहाँ पेस्ट लगाइए, यह तो फ्री हो गया, ये दोनों में सोल्डिंग मारिए, समझ रहे हैं दोस्तों। उस टाइप का प्रीसेट ना मिले तो 501 का प्रीसेट इस तरह भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रंगा भरपूर दे दीजिए,
अब मैं इसको फिर सेट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी मैं कसा नहीं हूँ और मैं इसको दे दिए, देखिए धुआं निकलने लगा, देखिए कितना जल्दी हीट होने लगा। तो आप लोग कोई भी इंडक्शन आए, सब में यही थ्योरी है स्लो हीटिंग का, और ये सबसे आसान तरीका है इंडक्शन को बनाने का। बहुत सारे रास्ते से चला के आपको YouTube पे बौखाए जाएंगे, परेशान किए जाएंगे, लेकिन आप इसी तरीका से इंडक्शन को बनाइए। और ये बीमारी में सभी इंडक्शन में ये फॉल्ट आता है, और सभी इंडक्शन का रूट यही है चेक करने का। आप सभी इंडक्शन को स्लो हीटिंग में बना सकते हैं, चाहे वह मिल्क मोड को और कौन कौन सा हायर मोड बोला जाता है वो सब हमको मालूम नहीं है, लेकिन इसी तरीके से बनाइए आप लोग। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ओरिजिनल वीडियो दूंगा, जो कि एक बार आप देख लीजिएगा फिर ज़िंदगी भर किसी वीडियो को देखने का जरूरत नहीं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। देख लीजिए पूरी तरीके से हीट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।